गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम हिंदी में करेंगे चैप्टर 16। आपने ही ऐसा कहा। बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, बुक वर्क भी अच्छे से समझा दिया गया है। तो बच्चों इस चैप्टर का रिवीजन है जो आपके एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, तो इसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनके चार ऑप्शन लिखे हैं, तो उनको मैं समझाऊंगी। और जब कंटेंट भेजेंगे तो और ज्यादा क्वेश्चन भेजेंगे जिनको आप अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेंगे और उनको लर्न करेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों हिंदी का चैप्टर 16, इसके चार क्वेश्चन मैंने ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी टाइप के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों पहला क्वेश्चन है, जैसा आपकी वो स्टोरी पता होगा, आप चैप्टर रीडिंग किए होंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन है, राजा का प्रस्ताव किसने मान लिया? उस स्टोरी में जो राजा ने प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव किसने मान लिया था? चार ऑप्शन है बच्चों, द्वारपाल ने, रामपाल ने, बीरबल ने या जनता ने, किसने प्रस्ताव मान लिया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? राजा का प्रस्ताव रामपाल ने मान लिया था, क्योंकि राजा ने उसको तोता देने के लिए प्रस्ताव रखा कि मेरा तोता आप रखो अपने घर में, इसकी देखभाल करना। तो रामपाल ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो राइट ऑप्शन होगा रामपाल। ठीक है, रामपाल ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, तोता कितने वर्षों बाद बीमार पड़ा? जब राजा ने रामपाल को तोता दिया तो रामपाल ने उसका पालन पोषण अच्छे से किया, लेकिन वो तो पक्षी है, बीमार पड़ गया अचानक से, तो कितने वर्षों बाद बीमार पड़ा रामपाल के घर में रहते रहते? उसका सही आंसर है, देखो यहाँ चार ऑप्शन है, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, तीन वर्षों में या चार वर्षों में, कितने वर्षों बाद वो बीमार पड़ा? तो राइट ऑप्शन होगा दो वर्षों बाद बीमार पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तोते की मृत्यु की सूचना बादशाह को किसने दी? जब बादशाह ने तोते को दिया था तो कहा था इसके मरने की सूचना, इसकी मृत्यु की सूचना मुझे कभी मत देना, क्योंकि राजा बहुत प्यार करने लगे थे तोते से, वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि जब तोते की मृत्यु हो जाए तो इसकी सूचना मुझे कभी मत देना। तो लेकिन वो बीमार पड़ा दो वर्षों बाद और उसकी मृत्यु हो गई, तो रामपाल को चिंता हुई कि ये सूचना राजा तक कैसे पहुंचाई जाए, तो उन्होंने अपने मित्र बीरबल से सलाह की। ठीक है, तो बीरबल ने वो जिम्मेदारी ले ली कि मैं इसकी सूचना पहुंचाऊंगा, लेकिन किस तरीके से पहुंचाऊंगा, कि क्योंकि राजा ने कहा था सूचना मत देना, तो उनको सूचना पहुंच भी जाए और हम लोग अपने मुंह से बोले भी ना। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि तोते की मृत्यु की सूचना बादशाह को किसने दी। चार ऑप्शन है, रामपाल ने दी, कि दरबारियों ने दी, कि बीरबल ने दी, कि प्रजा ने दी। किसने दी? किसी की तो हिम्मत नहीं थी, पर बीरबल चालाक थे, विद्वान थे, चतुर थे, तो इसलिए तोते की मृत्यु की सूचना बीरबल ने दी। राइट ऑप्शन है बीरबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंगूठी शब्द का बहुवचन है। अंगूठी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये आपको आपकी बुक में एक ये वाक्य है बुक वर्क में कि अंगूठी में रत्न जड़ा था, तो इसको बहुवचन में जब बच्चों बदलेंगे तो अंगूठी में रत्न जड़ा था, अंगूठियां में रत्न जड़ा था करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वाक्य जो है गलत हो जाएगा, सेंटेंस जो है हमारा गलत हो जाएगा। हम लोगों ने किया था अंगूठी में रत्न जड़ा था का बहुवचन किया था, अंगूठियों में रत्न जड़े हैं, जड़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल अंगूठी शब्द का बहुवचन बनाना है। अंगूठी का बहुवचन क्या होगा? अंगूठा, अंगूठे, अंगूठियां या अंगूठियां, कौन सा सही होगा? तो बच्चों अंगूठियां सही होगा, अंगूठियां, अंगूठी का बहुवचन अंगूठियां होगा। अब आप सोचोगे कि बुक में तो हमने अंगूठियों किया था, तो वहां वाक्य ही ऐसा था कि अंगूठी में रत्न जड़ा था, इसका बहुवचन बदले, तो जब हम बहुवचन बदलेंगे तो अगर लिखेंगे अंगूठियां में रत्न जड़े थे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ बुक में आपके कराया गया है अंगूठियों में रत्न जड़े थे। ठीक है, बहुत सारी अंगूठियां थी, बहुवचन करना था तो अंगूठियों में रत्न जड़े थे। अगर हम लिखते अंगूठियां में रत्न जड़े थे तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई वाक्य नहीं है, अंगूठी का बहुवचन अंगूठियों का, अंगूठियों करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अंगूठा, अंगूठे, अंगूठिया, ये यहाँ चांद बिंदु नहीं है, मात्रा भी रॉन्ग है, इसलिए ये सही होगा अंगूठियां।
ठीक है, अंगूठियों नहीं होगा, अंगूठियां, अंगूठी का बहुवचन अंगूठियां, ऐसे नॉर्मली होता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सारे चैप्टर के करा दिए गए हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन क्लिक करना है आपको, एक ऑप्शन राइट करना है आपको, और जो क्वेश्चन देंगे उनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना सुंदर हैंड राइटिंग में, और लर्न कर लेना। जब नेक्स्ट क्लास होगी, कल गूगल मीट क्लास होगी, तो उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर लेंगे और चैप्टर को अच्छे से रीडिंग भी करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, टेक केयर।